राम जय राम जय सबको नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने सुना कि हनुमान जी पर प्रभु राम ने पूरा विश्वास किया, मानो हनुमान जी ही सीता की खोज करके लाएंगे और इसलिए सीता से क्या बात करनी है इसकी चर्चा की। सीता के लिए एक निशानी मुद्रिका भी दी, एक गुप्त घटना की चर्चा भी की और राम जी ने पूरा विश्वास किया कि हनुमान सीता की खोज करके शीघ्र आएगा। लेकिन हमने देखा कि समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद सब निराश हो गए, हनुमान भी निराश हो गया, हनुमान का विश्वास नहीं जगा। संपाति के कहने के बाद भी कि सीता लंका में है, मैं देख पा रहा हूँ, जो समुद्र को पार करके वापस आ सकता है वही उसकी खोज करके आएगा। ये सुनकर सब निराश थे, हनुमान जी भी निराश थे। और हमने सुना कि जब जामवन जी ने हनुमान जी की प्रशंसा शुरू की तो भी हनुमान जी का आत्मविश्वास नहीं जगा। और आत्मविश्वास जगा जब जामवन जी ने एक पंक्ति कही, हे हनुमान राम काज लगी तव अवतारा। ये सुनते ही बिजली का करंट लग गया, सुनते ही भय वो पर्वताकारा। और हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और वो समुद्र पार करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब समुद्र के ऊपर जाते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं इसकी चर्चा भी रामायण में तुलसीदास जी कर रहे हैं। अर्थात कोई भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, उसको करने का कितना भी आत्मविश्वास क्यों ना हो, मार्ग में कठिनाइयाँ परीक्षा लेंगी ही लेंगी। जो उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा वही सफल होगा। तो आइए अब हम सुनते हैं उन चौपाइयों को जिसमें तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आईं। हमारे जीवन में वो कठिनाइयाँ आएंगी ही। हनुमान जी का यह चरित्र हमको अपने जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इस क्रांति राम की पूरी प्रस्तुति में हम केवल यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज राम जी की क्रांति के समान एकल क्रांति में हमको किस भूमिका में काम करना है। हम सबको हनुमान बनना है, तो हनुमान बनने पर जो जो कठिनाइयाँ आएंगी उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम चौपाई सुनेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। प्रारंभ करिए। हनुमान ते ही पर सा कर पुनि की न प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, मोहि कहा देखा जाने कहूं गलबू
हनुमान जी को जाते हुए देखकर देवताओं के मन में संदेह हुआ कि इतनी बड़ी योजना, इतना कठिन काम क्या हनुमान कर पाएगा। लंका में रावण के साम्राज्य में जाकर क्या सीता की खोज कर पाएगा, क्या उसके पास ऐसा बुद्धिमत्ता, ऐसी चतुरता, ऐसी कुशलता है या नहीं। यह सोचकर देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। पहली बाधा आई कि जो ही हनुमान जी जा रहे थे मैनाक पर्वत, उसने हनुमान जी को आमंत्रित किया, अरे हनुमान तुम इतने दूर जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हमारे भी किसी कार्य में हमारे परिवार के लोग यही बाधा निर्माण करेंगे, अरे क्यों करते हो एकल का काम, थोड़ा आराम कर लो। हमारे घर के माता पिता, पत्नी, भाई बहन सब हमको भी विश्राम करने की सलाह देंगे, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता कौन है जो हनुमान की तरह कहे कि आपको हमारा प्रणाम है, आपने हमारे प्रति यह जो सहानुभूति प्रकट की इसके लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं होता है तब तक मुझे विश्राम करने की अनुमति कहाँ है। ध्यान रखना, रामायण में अब सब स्थानों पर राम काज का वर्णन आ रहा है, राम भक्ति का नहीं आ रहा, राम नाम का नहीं आ रहा। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर मन में रखते हैं, मुंह पर उच्चारण नहीं करते हैं। वो तो राम काज के लिए काम कर रहे हैं। हमको भी हनुमान बनना है तो भक्ति तो हृदय में रखनी ही चाहिए, लेकिन हमको अपना मूल्यांकन इस बात से करना होगा कि हम राम जी का काम कितना कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैनाक जी आपको मेरा प्रणाम, उनको स्पर्श करके प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। परिवार के लोगों से बहस मत करो, परिवार के लोगों को सम्मान दो। माँ पिता, पत्नी बच्चे, भाई बहन सब सम्माननीय हैं, सबके हृदय में हमारे प्रति प्यार है, उस प्यार का सम्मान करो। तर्क मत करो, बहस मत करो, भाषण मत दो, उपदेश मत दो, केवल विनम्रता पूर्वक कहो कि भाई मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वह काम किए बगैर मुझे विश्राम करने की अनुमति नहीं है। अब एक उदाहरण लीजिए। एक परिवार था, परिवार में एक कार्यकर्ता किसी सरकारी नौकरी में काम करता था और छुट्टी में घर में आया। 2 दिन की छुट्टी थी, वो घर में आया। माँ ने कहा कि बेटे अभी अभी गाय ब्याई है, बहुत बढ़िया दूध हो रहा है, बहुत बढ़िया मक्खन निकल रहा है, 2-3 दिन और रुक जाओ तो तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अब वो कार्यकर्ता कहता है कि माँ तुम्हारा प्यार तो सही है, लेकिन मैं यदि 3रे दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूँगा तो नौकरी छूट जाएगी, इसलिए मुझको जाना ज़रूरी है। माँ नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देगी, वो तुमको आशीर्वाद देगी। बस यह संकल्प चाहिए, मैंने राम जी का काम नहीं किया तो राम जी मुझसे नाराज हो जाएंगे,
और इसलिए जब तक मैं राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम की अनुमति नहीं है। और हनुमान जी पूरे वेग से आगे बढ़ रहे हैं। फिर देवताओं को लगा कि अरे एक परीक्षा तो पास हो गया, एक दूसरी परीक्षा भेजी। सर्पों की एक देवी सुरसा नाम की, और उसको उन्होंने हनुमान जी के पास भेजकर सुरसा ने कहा, अरे हनुमान तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिन से मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी, अब तुमको खाकर मैं अपनी भूख शांत करना चाहती हूँ। हनुमान ने कहा कि सुरसा जी आपकी बात सही है, लेकिन मुझको आप केवल राम जी का काम कर आने दीजिए, मैं सीता की खोज करके प्रभु को सूचित कर लूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा, तब मुझे आप खा लीजिएगा, अपनी क्षुधा शांत कर लीजिएगा। लेकिन सुरसा कहाँ मानने वाली थी, ये सुरसा भोगवाद की प्रतिनिधि है, हमको अपने संकल्प रास्ते पर चलने के लिए भोगवाद बाधक बनता है। हमारे मन में भी हो सकता है, परिवार के मन में भी हो सकता है, पत्नी बच्चों के मन में भी हो सकता है कि हमको अच्छी अच्छी सामान चाहिए। बच्चा कहेगा कि पापा मेरे बगल में रहने वाला एक मेरा साथी हमारे साथ स्कूल में पढ़ता है, उसकी नई साइकिल मिली है, मुझको भी साइकिल चाहिए। पत्नी कहेगी कि पतिदेव बगल के परिवार में महिला को 3 नई साड़ियाँ मिली हैं, मुझको भी साड़ी चाहिए। माँ भी कहेगी कि बेटे अपने घर में यह भी सामान कम है, वो चाहिए, और इसलिए तुम इस सेवा के कार्य के बदले कुछ कमाई करो, कुछ धन की पूर्ति करो। यह भोगवाद हमको अपने मार्ग में भटकने के लिए पर्याप्त अवरोध निर्माण करता है, करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो इस भोगवाद से, इस आकर्षण से अपने को बचा ले। लेकिन हनुमान जी की चतुरता, हम देखेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी ने कुशलता पूर्वक अपने को बचाया, अर्थात परिवार के लोगों का सम्मान करते हुए अपनी कुशलता से हम अपने को कैसे बचा सकते हैं, यह अब तुलसीदास जी हमको बता रहे हैं। अर्थात सुरसा के इस प्रस्ताव के बाद हनुमान जी और सुरसा का परस्पर व्यवहार कैसा रहा, ये आगे की पंक्तियां हमको बताएंगी। और वो पंक्तियां प्रतीकात्मक तो जरूर है, लेकिन हमारे जीवन में लगभग प्रतिदिन हमारी परीक्षा लेती हैं। परिवार की आवश्यकता, अपनी आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलने से रोकती हैं, देश की सेवा करने से रोकती हैं, और उस समय हमारे सामने धर्म संकट पैदा होता है कि परिवार का भी अपमान नहीं कर सकते और अपने कार्य को भी नहीं छोड़ सकते, तब कैसे रास्ता निकालना। आइए हम पहले चौपाइयाँ सुनेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या मैं करूँगा। तब तब बदना पैठ हुआई,
सुरसा जी ने जब उससे आग्रह किया, माना नहीं, मानी नहीं सुरसा। अरे वो कह रहे थे, मैं राम जी का काम करके आऊँगा, तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूँगा, तुम अपने भूख को शांत कर लेना। लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर हनुमान जी कहते, खाओ मुझको। और जो ही सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने अपना आकार उससे दुगुना कर दिया। सुरसा ने 16 योजन अपना मुख का आकार किया तो हनुमान जी ने 32 योजन कर लिया। सुरसा ने 100 योजन अपना मुख का आकार किया तो हनुमान जी ने बिल्कुल तेजी से छोटा रूप धारण करके मुख में प्रवेश करके वो निकल आए और सुरसा को कहा, माई तुमने मुझको खा लिया, अब मैं विदा ले रहा हूँ। प्रणाम किया और विदा किया, विदा ली। हमारे लिए इसमें क्या संकेत है? उदाहरण के लिए, पत्नी ने कहा कि वो 3 साड़ियाँ मेरे पड़ोसी के घर में आई है, मुझको भी चाहिए। तो आप कहेंगे, बिल्कुल सही है, 3 क्यों, मैं तो 6 साड़ी लाने वाला हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया है, बस जाकर लाने की बारी है। पत्नी खुश हो गई। बेटे ने कहा, मुझे साइकिल चाहिए। आपने कहा, साइकिल? मैंने तो तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल की व्यवस्था की है, एक स्कूटी की व्यवस्था की है, बस जाकर लाना है। बेटा खुश हो गया और सबको प्रणाम करके श्रीमान जी विदा लेते हैं अपने काम के लिए। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, उन्होंने जो मांग रखी उसे दुगनी मांग पूर्ण करने का वायदा प्राप्त करके खुश। क्योंकि भोगवाद का वही है, भोगवाद बहुत स्थायी नहीं होता। उनके मन में आया, इन्होंने आश्वासन दिया, वो खुश हो गए। परिवार के लोगों से बहस मत करो। अब संघ के प्रचारक निकलते हैं, हर प्रचारक के घर में परिवार की ओर से विरोध होता ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? माँ कहती है कि अरे बेटे, तू प्रचारक बन रहा है, गृहस्थी कौन संभालेगा? तो हम माँ से कहते हैं, माता जी, अरे 2 साल से तो जा रहा हूँ मैं, फिर तो आऊँगा, फिर शादी करूँगा, फिर से वो आपकी बात मान लूँगा। माँ जी खुश, हम भी चले गए। लौटने के बाद 2 साल पूरे हुए, अरे माँ जी अभी मज़ा नहीं आया, 2 साल में क्या होता है, 1-2 साल और रहने दीजिए, अभी कहाँ मेरी उम्र समाप्त हो रही है। माँ जी खुश, हम भी खुश। अर्थात माँ के सामने बहस मत करो, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुझे कुर्बान होना है, मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे हिंदू समाज का संगठन करना है, ये भाषण देने की आवश्यकता भी नहीं और उचित भी नहीं। अरे माँ का सम्मान करो, थोड़ा सा आश्वासन देकर माँ खुश हो जाए, तुम्हें क्या आपत्ति है, धीरे धीरे राम जी समझा लेंगे उनको। लेकिन अपने परिवार के साथ बहस मत करो, भाषण मत दो, उपदेश मत दो, प्यार से आश्वासन दे दो। प्यार से आश्वासन देकर परिवार खुश हो जाएगा और तुमको जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो पहला अवरोध आया परिवार की ओर से विश्राम करने की
का सुझाव, उसमें भी विनम्रता पूर्वक हनुमान जी ने रास्ता निकाल लिया। कहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वो काम पूरा करने दो। दूसरी बाधा आई भोगवाद की, परिवार के लोगों की आवश्यकता, कभी कभी अपनी भी आवश्यकता लगती है, उसमें भी कुशलता के साथ बहस न करते हुए सबको खुश करते हुए रास्ता निकालने का मार्ग हमको रामायण बता रही है। ये दो बाधाओं के बाद तीसरी बाधा बहुत कठिन आ रही है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। काम करते करते हर कार्यकर्ता के मन में आता है, अरे मेरे समर्थक इतने बन गए, अब आने वाले पार्षद का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मैं क्यों नहीं लड़ सकता। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा यह व्यक्ति को एक प्रकार से मृत कर देती है, व्यक्ति फिर किसी काम का नहीं रहता। हमने कल भी चर्चा की थी धर्म सत्ता और राज सत्ता की। धर्म सत्ता के मन में यदि राज सत्ता का विचार आ गया तो वह कुछ काम नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में एक और बाधा हनुमान जी को मार्ग में दिखाई दी। पहले हम चौपाई सुनते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या सुनेंगे। निशिचर एक सिंधु मोहराई करी माया समुद्र में एक निशिचर एक प्राणी था, एक मछली थी, जो आकाश में उड़ने वाले किसी भी यात्री की छाया को पकड़ लेती थी और वह आकाश में उड़ने वाला कोई भी पंछी फिर उड़ नहीं पाता था, वो गिर जाता था और उसको खाकर वो अपना पेट भरती थी। हनुमान जी को भी जब समुद्र के ऊपर से जाते हुए देखा, उसकी परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी को लगा कि क्या हो गया, नीचे देखा तो देखा एक निश्चर मछली है जो मुझको खाने के लिए तैयार है। हनुमान जी तुरंत उसके पास गए और एक जोर से मुक्का मारा, उसकी मृत्यु हो गई। देखो, सुरसा से भोगवाद से वो प्रेम पूर्वक बात करके रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो प्रहार कर रहे हैं। मित्रों, यह हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है।
मैं जानता हूँ कि एकल अभियान में अनेक कार्यकर्ताओं में यह इच्छा जग सकती है, अरे मेरे इतने लाख युवा साथी हैं, ग्राम सैनिक हैं, इतने बड़े गांव में मेरा प्रभाव है, मैं जो चाहूँ वो करवा लूँगा, इतना वोट तो मुझे अपने गांव में मिल ही जाएगा। और इसलिए वे निर्वाचन में भाग लेकर राजनीति में जाने की इच्छा करते हैं। हनुमान जी बता रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा की बहस मत करो, प्रहार करो, क्योंकि राजनीतिक इच्छा को मारकर समाप्त करना ही एकमेव मार्ग है। उस पर प्रहार करने की का सुझाव हनुमान जी दे रहे हैं। मित्रों, कई बार हमारे कार्यकर्ताओं के मन में विचार आता है कि राजनीति में अच्छे अच्छे लोग जाने चाहिए, वो अपने को राजनीति में जाने के लिए एक बहाना बताते हैं, अरे राजनीति में अच्छे अच्छे लोग जाना चाहिए, अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति ठीक कैसे होगी। सच बात तो ये है कि अच्छे अच्छे लोग राजनीति में जाकर बिगड़ जाते हैं। राजनीति कभी किसी की अच्छाई को सुरक्षित नहीं रखने देती। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बहाना बनाने वाले लोग बहुत देखे हैं। मैं आपके सामने दो घटनाएं बताता हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं और 1960 के बाद इस देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। उस समय राम मनोहर लोहिया बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता थे सोशलिस्ट पार्टी के। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का एक नारा दिया, सारी गैर कांग्रेसी पार्टियां एकजुट हो गई और उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस समय जनसंघ का प्रभाव था, माने जनसंघ के नाम से काम हो रहा था। तो जनसंघ के भी कुछ कार्यकर्ता मंत्री पद पर आ गए, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। हम लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि पहली बार हमारे कार्यकर्ता मंत्री बन रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ही अखबारों में समाचार आना प्रारंभ हो गया कि उस कार्यकर्ता ने मंत्री पद का दुरुपयोग करके कुछ गलत काम किया, कुछ धन कमाया, कुछ रिश्वत ली। ये समाचार पढ़कर हमारे मन में चिंता होना स्वाभाविक थी। पहली बार हमारा परिचित कार्यकर्ता स्वयंसेवक मंत्री बना और जाते ही कुछ महीनों में ये समाचार, तो हम लोग बहुत व्यथित हुए। हमारे एक शीत शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आए थे, वो उस समय जनसंघ के सचिव थे, संघ के प्रचारक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मांग पर पूजनीय गुरु जी ने उनको जनसंघ के काम के लिए दिया था। तो हम कुछ प्रचारक पंडित जी के पास बैठे, ऐसे ही अनौपचारिक चर्चा करने के लिए बैठते ही हमारे अधिकारी, हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा, पंडित जी ये समाचार अखबारों में आ रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि आपका जनसंघ भविष्य में कांग्रेस नहीं बन जाएगा? पंडित जी के सामने शायद ये प्रश्न अटपटा था, पहली बार आया होगा। कुछ देर वो चुप रहे, सोचते रहे और फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वह उत्तर हम सब के लिए मार्गदर्शक उत्तर है। ये कोई शास्त्रों की बात नहीं बता रहा हूँ, ये कोई पुराणों की बात नहीं बता रहा हूँ, ये उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिसने हम सब के सामने स्वीकार किया। पंडित जी ने कहा हम सब की ओर इशारा करते हुए
जब तक तुम्हारी शाखाएं मजबूत हैं, भगवान भी जनसंघ को कांग्रेस नहीं बना पाएगा। और जब तुम्हारी शाखाएं कमजोर हो जाएंगी, भगवान भी जनसंघ को कांग्रेस बनाने से नहीं रोक पाएगा। शाखा मजबूत बनाओ, धर्म सत्ता मजबूत बनाओ, समाज को जागृत करो, राजनीतिक नेता नियंत्रण में रहेंगे। जो बात हम लोगों ने पिछले सत्रों में सुनी, वही बात पंडित जी कह रहे थे। अर्थात यदि संघ की शाखा इतनी मजबूत हो कि उस विधायक को डर लगे कि मेरे व्यवहार से अगली बार मुझको संघ का समर्थन नहीं मिलेगा, मैं निर्वाचन नहीं जीत पाऊंगा, यह डर पैदा करना राजनीति की सफलता की पहली शर्त है। उसी शिविर में पूजनीय श्री गुरुजी भी आए, और पूजनीय गुरुजी के साथ भी हम लोग बैठते थे, उनसे भी चर्चा होती थी, उनसे भी यही प्रश्न पूछा, क्योंकि समाचार पत्रों में वो समाचार छपता था और हम सब तो चिंतित थे ही, और श्री गुरु जी से अधिक कौन अधिकृत व्यक्ति होगा जो हमको समाधान देगा। श्री गुरु जी ने जो उत्तर दिया वो भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंचालक उन स्वयंसेवकों के संस्कार की गारंटी नहीं ले सकता जिनके माथे पर प्रतिदिन संघस्थान के मिट्टी का टीका नहीं लगता। अर्थात मैं उनके संस्कार की गारंटी ले सकता हूं जो प्रतिदिन शाखा में आकर सूर्य नमस्कार करते हैं। संघ की संस्कार कोई कोटा परमिट की तरह इशू नहीं होते कि दे दिया, 10 साल पहले शाखा में आते थे और उस समय तुमको संस्कार मिल गया और उसके बाद अब कुछ भी शाखा आने की जरूरत नहीं है। वही उन्होंने लोटे का उदाहरण दिया। एक लोटा कितना भी अच्छे धातु का बना हो, उसमें पीने लायक पानी तभी मिलता है जब रोज मांजा जाता है। लोटे को रख दो 5-10 साल और फिर को वो तो सोने का लोटा था, तांबे का लोटा था, पानी भरो और पियो, नहीं पी सकते, रोज मांजना पड़ेगा। अर्थात राजनीति में गए वे व्यक्ति को रोज संघ स्थान पर आना पड़ेगा तो सुरक्षा होगी। राजनीति स्वयं किसी की भी चरित्र और व्यवहार को सुधार नहीं सकती, बल्कि एक उल्टी बात है। वहां तुमको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए तुमको प्रतिस्पर्धी के हर चाल का जवाब देना है। तो एक अधिकारी से यह बात भी पूछी गई, वो अधिकारी बहुत वरिष्ठ थे, कि यदि आपने हमको राजनीति में भेजा संस्कार देने के लिए या चुनाव जीतने के लिए? अरे संस्कार देने के संघ की शाखा है, फिर राजनीति जनसंघ की आवश्यकता क्या थी? और यदि वहाँ पर राजनीति में चुनाव जीतकर सरकार बनाने की बात कह रहे हैं तो प्रतिस्पर्धी जिस प्रकार का चाल चलता है हमें ऐसा जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण महाभारत के नायक थे और उस महाभारत में उन्होंने वो सब काम किया जिसको देखकर दुनिया कहती ये धर्म के विरोध में है। अरे चालाकी की, झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, क्या क्या नहीं किया। युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा लिया, बर्बरी को भी पागल बना दिया, अर्जुन को बचाने के लिए सूर्य को ढक दिया, तो भी वो धर्म के ही पक्ष में रहे।
अर्थात चुनाव जीतने के लिए तुम्हें जो करना है करो, चरित्र नष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, वो समाज के लिए कर रहे थे। और यह मार्ग और भी अधिक कठिन है, आप सब चालाकी करो लेकिन अपने मन को सुरक्षित रखो। हाँ, जिसके अंदर ये साहस है, जैसे स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जब उनकी हत्या हुई, मैं वाराणसी का जिला प्रचारक था और दुर्भाग्य से वाराणसी जिले के ही उस समय जो मुगल सराय स्टेशन था, अब उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो गया, वहीं पर पंडित जी की हत्या हुई, हम लोगों को शव मिला। वो घटना भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। पंडित जी रात की ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में जौनपुर पड़ता है जहाँ हमारा शिविर लगा हुआ था। रात में उनको भोजन देने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता गए और ट्रेन में पंडित जी ने भोजन प्राप्त किया, कुछ अच्छी हंसी मजाक की बात की, हम सब निश्चिंत थे। लेकिन वो ट्रेन जब प्रातःकाल मुगल सराय स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन के पहले एक खंभे के पास एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। वहां सफाई कर्मचारी को वो शव दिखाई दिया तो किसी ने पहचानने की बात नहीं, लेकिन शव था, मूर्छित अवस्था, मृत अवस्था में था। तो सफाई कर्मचारी को चिंता हुई, उसने जाकर स्टेशन पर बाकी लोगों को बताया। अब स्टेशन से ये बात बाजार में पहुंच गई और बाजार के लोग इकट्ठे हो गए। उस शव को स्टेशन की जो पुलिस है उसने उठाकर उसका पंचनामा कर दिया, अर्थात एक अज्ञात शव मिला है और इसलिए उसको सील कर उसका दाह संस्कार करेंगे। जब यह हो रहा था तो बाजार के कुछ लोग आ गए थे, एक उत्सुकता से क्या हो गया, संयोग से उसमें एक कार्यकर्ता था और उसने वो चेहरा देखकर एकदम चिल्लाया, अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सुनकर सारा स्टेशन स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो कांग्रेस जनसंघ के बड़े नेता हो गए थे, वहां से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो वह समाचार सारे देश में फैल गया, सारे स्वयंसेवक वहां इकट्ठे हो गए। मैं उस समय जौनपुर के शीत शिविर में था और पंडित जी के शव को लेने के लिए अटल जी, अडवाणी जी सब वहां पहुंच गए संयोग से। पूज्य श्री गुरु जी भी प्रयाग से चलकर जौनपुर आने का एक कार्यक्रम में प्रवास करने वाले थे, इतने में उनको समाचार मिला और वे अपना मार्ग बदलकर मुगल सराय में गए पंडित जी के शव को विदा करने के लिए। और उसके बाद वो सीधे जौनपुर आए, क्योंकि मार्ग बदलने में अधिक समय लगा, प्रातःकाल पहुंचने वाले थे, वो दोपहर को पहुंचे, उनके बौद्धिक का समय हो गया था। पूजनीय श्री गुरु जी अपने निश्चित कार्यक्रम को कभी बदलते नहीं थे। तो मुगल सराय से आने के बाद हाथ पैर धोकर तुरंत वो बौद्धिक मंडप में आ गए। अब देखो, दीनदयाल जी के शव को विदा करके श्री गुरु जी आए हैं, इसलिए प्रारंभ की कुछ वाक्य उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के बारे में कहा। क्या कहा?
अरे दीनदयाल मुझसे पता नहीं कितने दिनों से कह रहा था, गुरुजी इस कीचड़ में मन नहीं लग रहा है, मुझको वापस दक्षारम्भ के काम में लगा दीजिए। और मैं कहता रहा कि दीनदयाल जी, जिसके मन में दक्ष आरम है वही तो कीचड़ में कमल खिलाएगा। ध्यान दीजिए, पंडित दीनदयाल जी के मन में संघ की शाखा थी और तभी श्री गुरु जी ने उन पर विश्वास किया कि राजनीति कीचड़ में भी वो कमल की तरह शुद्ध रहेंगे। दूसरी बात कही, मैंने जनसंघ के लोगों कहा था कि पंडित जी को अध्यक्ष मत बनाओ, क्योंकि केरल में उसके पूर्व अधिवेशन हुआ था, वहीं दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब श्री गुरु जी ने वहां पर प्रकट किया, मैंने उनको कहा था मत बनाओ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है। बाद में ज्ञात हुआ केरल के साम्यवादी दल के लोगों ने मुगल सराय के स्टेशन पर जो साम्यवादी संस्था के कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से ये हत्या कराई थी। अर्थात श्री गुरु जी किस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं की रक्षा करते थे, यह उदाहरण हम सब के लिए मार्गदर्शक है। मैं आगरा का विभाग प्रचारक बना और आगरा के विभाग प्रचारक बनने के बाद पंडित दीनदयाल जी के जन्म स्थल पर भी मुझे जाने का अवसर मिला। पंडित जी की कथा, पंडित जी के बारे में अनेक प्रसंग सुनने का अवसर मिला। पंडित जी के साथ मैंने भी कुछ दिन प्रवास किया था, वो भी स्मृतियाँ हुई। ये सारी स्मृतियाँ हमको बताती हैं कि राजनीति में वही सफल होगा जिसके दिल में संघ स्थान की साधना होगी। जिसके दिल में संघ स्थान है वह जाकर राजनीति के सब कीचड़ में कमल खिलाएगा, अन्यथा स्वयं कीचड़ बन जाएगा। इस सत्र में इतना ही, आगे की कहानी मैं अगले सत्र में सुनाऊंगा। सबको नमस्कार, धन्यवाद।